दिवाली आने वाली है। गांव से लेकर शहर तक हलचल का माहौल बना हुआ है। सभी लोग अपने अपने घरों में साफ सफाई में जुटे पड़े हुए हैं। कई लोग धूमधाम से दिवाली मनाने की तैयारी में लगे पड़े हुए हैं। लेकिन भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां पे दिवाली नहीं मनाई जाती है। तो मेरा नाम जफर खान है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्फो बाय जफर को। बात है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के शंभू गांव, कहाँ पे लोग बताते हैं इस गांव में सैकड़ों वर्ष से दिवाली नहीं मनाई गई है। इसके पीछे की कारण जानने की कोशिश करा तो लोग बताते हैं गांव में दिवाली न मनाने की शराब दिया हुआ है। हालांकि लोग यह भी बताते हैं कि अगर शराब को न मानते हुए कोई दिवाली मनाने की कोशिश भी करता है तो पूरे गांव पे आपदा आ जाता है। आपदा नहीं आती है तो गांव के किसी लोगों पर अकाल मृत्यु का आहट मंडराने लगता है। इतना ही नहीं, गांव वाले शराब को तोड़ने के लिए कई सारे कोशिशें भी की, लेकिन सब कोशिश लास्ट में विफल हो जाता है। गांव वाले को शराब का इतना खौफ है कि दिवाली के दिन घर से निकलना भी मुनासिब नहीं समझते। 70 वर्षीय ठाकुर विधि चंद्र बताते हैं इस गांव में कई वर्षों से दिवाली नहीं मनाई गई। अगर कोई मनाने की कोशिश करता है मृत्यु हो जाती। इसके अलावा बीना बताती है कि जब भी दिवाली आती है तो दिल भर जाता है क्योंकि हर जगह चहल पहल का माहौल होता है, लेकिन मेरे गांव में दुखी का माहौल होता है। आगे बीना बताती है श्राप से मुक्ति पाने के लिए कई बार यज्ञ हवन भी करवाया लेकिन कुछ असर नहीं करता है। फिर एक सवाल जरूर दिमाग में आया होगा कि आखिर क्या वजह रही होगी जो पूरे गांव वाले को शराब का खौफ सता रहा है। आखिर कौन है जो पूरे गांव वाले को शराब दे दिया? एक गर्भवती महिला सती हो गई। दरअसल वो ससुराल से मायके जा रही थी दिवाली मनाने के लिए और उसका पति राजा के दरबार में सैनिक था। जैसे ही वो घर से कुछ दूर जाती है तभी उसको एक सूचना मिलता है, तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। हालांकि वो गर्भवती थी, पति के मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी वो पति के साथ ही सती हो गई और जाते जाते पूरे गांव वाले को श्राप दे के गई कि तुम पूरे गांव वाले कभी भी दिवाली नहीं मना पाओगे। हुआ ऐसे ही।